हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल एस्टेट देसी। आज मेरा वापस आना हुआ है सेक्टर 10 में, और सेक्टर 10 के साथ साथ मैं सेक्टर 12 भी आज कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर, बिकॉज मैं पहले भी आता रहा हूं और जहां पर मैंने इंडिविजुअली सेक्टर्स को कवर करा है, मगर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं सेक्टर 10 और 12 दोनों कंबाइन आपको दिखाऊंगा। इसमें मेरा पर्पस ये रहेगा कि मैं आपको ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास और आगे ऑप्शंस क्या आने वाले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की, तो आज हमारे पास एक सिक्का ग्रुप है। जैसे कि आप ATS मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसके एडजस्टेंट आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख पा रहे होंगे। ये सिक्का डेवलपर की, जिसको टाटा डेवलप कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी है जो मैं आपको कवर करूंगा, जिसमें 2 BHK एंड 3 BHK के ऑप्शंस मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज 2 BHK इस सेक्टर में तकरीबन 70-75 लाख रुपीस का आता है। सिक्का में हमारे पास 2 BHK अराउंड 60 लाख का आ जाता है, कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल कैटेगरी है। उसके अलावा मैं अल्ट्रा लग्जरी ऑप्शंस भी आपको आज इस वीडियो में शो करूंगा, जिसमें हमारे पास सिर्फ 3 BHK और 4 BHK वाली जेंट्रीज रहेंगी उन प्रॉपर्टीज के अंदर, और उनमें मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा जिसका रेरा आ चुका है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, और 1-2 ऑप्शंस मैं आपको दिखाऊंगा जैसे अलाइट का है और महागुन का है, जिनका रेरा अभी नहीं आया। तो ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ, अभी रेरा नहीं आया, मगर आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। जैसे ही वो प्रॉपर्टीज लॉन्च होंगी तो आपको मैं वो फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा लोकेशन के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। ये हमारा राजेश पायलट चौक है। इस राजेश पायलट चौक के अपोजिट में आपका नॉलेज पार्क 5 आता है, जहाँ पर आपका ऑलरेडी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, प्लस कॉर्पोरेट्स हैं, जो मैं आगे वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा। और यही राजेश पायलट चौक अगर हम राइट में जाते हैं तो गौर चौक मूव करता है, जो कि 5 मिनट का डिस्टेंस है, हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस है। और यहाँ से हम आगे मूव करते हैं तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे और परी चौक वाली लोकेशन आपकी आती है, जो कि हार्डली 10-15 मिनट की ड्राइव है। प्लस इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट DMIC कॉरिडोर इस लोकेशन पर आगे चल के आपका आता है, जहाँ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये 100 मीटर का बेल्ट है फ्रंट साइड का, जो मेन एक्सप्रेसवे से लगा हुआ है। ये सारा कमर्शियल डेवलपमेंट है, इसके बैक साइड में फिर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। ये कमर्शियल बेल्ट कहीं ना कहीं गौर चौक से बनती भी आ रही, तकरीबन 15-16 मॉल्स आपके बन चुके हैं, तो ऑलरेडी कमर्शियल एक्टिविटीज आपको 5 मिनट के डिस्टेंस से मिल जाती है। आज के टाइम पे सबसे सॉर्ट आउट लोकेशन जो है वो है सेक्टर 10 और 12। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा गाइज, आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो में आगे मूव करते हैं, और सबसे पहली प्रॉपर्टी विजिट करते हैं हम सिक्का। तो आज की हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है सिक्का कामया ग्रीन्स। बेसिकली सिक्का का लैंड है, मगर जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो है टाटा ग्रुप, और जो फंडिंग है वो है SBI कैप के थ्रू, जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग है। तो आज के टाइम पे अगर सबसे अफोर्डेबल प्रॉपर्टी अगर आप देखते हैं सेक्टर 10 और 12 में, तो वो आती है सिक्का कामया ग्रीन्स, जहाँ पर एक रेट जो है, जो आज सेक्टर 10 में 7,000 रुपये का रेट है, 6,500 रुपये का रेट है, वो आपको मिलता है तकरीबन 5,000 रुपये से लेके 5,200 रुपये। और आज जो एक डिफ़िकल्टी आती है सेक्टर 10 और 12 में, कि सारे बड़े साइजेस और लग्जरी प्रॉपर्टीज़ ही लॉन्च हो रही हैं, छोटे साइजेस में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। तो जो लोग अगर 2 BHK देख रहे हैं, उनका बजट है तकरीबन 60 लाख के अंदर, तो ये एक उनके लिए ऑप्शन बनता है सिक्का कामया ग्रीन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, 70-80% काम हो चुका है। तो हमारे पास 890 2 BHK और 1100 स्क्वायर फीट 2 BHK प्लस स्टडी। फ्लोर प्लान काफ़ी अच्छा फ्लोर प्लान है, काफ़ी एफिशिएंट फ्लोर प्लान है, लोडिंग बहुत ही कम है। और 3 BHK हमारे पास आता है 1315 स्क्वायर फीट और 1450 स्क्वायर फीट, एंड 4 BHK भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1695। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, अगर आप एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तकरीबन 1000 से 1500 रुपये का डिफरेंस है इस प्रॉपर्टी के रेट्स में और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के रेट्स में। कंस्ट्रक्शन बाय टाटा ग्रुप, एंड जो फंडिंग है वो है SBI कैप। ऑलरेडी मैं इस प्रॉपर्टी की ब्रीफिंग कर चुका हूँ, अंदर से कंस्ट्रक्शन आपको दिखा चुका हूँ और सैम्पल दिखा चुका हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ वीडियो का, जिसको जाके आप विजिट कर सकते हैं और पूरी प्रॉपर्टी की वीडियो एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पे सिक्का के बाद। अब हम आए हैं जो लैंड ये पड़ा हुआ है, बेसिकली ये लैंड अलॉट हो चुका है अलाइट को। अलाइट ने ऑलरेडी सेक्टर 79 में गोल्ड ग्रीन डेवलप किया हुआ है, जिसमें टाइमली डिलीवरी है एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है।
उसकी सक्सेस के बाद ग्रेटर नोएडा में वेस्ट में अलाइट आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्टर 10 है ये, अरिहंत द बोर्ड सामने प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी है आपकी कोको काउंटी। आज जो रेट चल रहा है तकरीबन 7000 रुपए का रेट चल रहा है अरिहंत द बोर्ड में कोको काउंटी में। तो यहाँ पर एक अल्ट्रा लग्जरी ऑप्शन आ रहा है लाइट का, 3 BHK एंड 4 BHK प्योरली रहेगा आपका। अभी रेरा नहीं आया है तो मैं बस आपको एक बेसिक डिटेल्स दे सकता हूँ कि यहाँ पर क्या आ सकता है। तो 3 BHK में 1500 स्क्वायर फीट का साइज अराउंड रहेगा और 2400 स्क्वायर फीट का साइज रहेगा 4 BHK। लैंड में जो है ऑलरेडी JCB यहाँ पर लग चुका है, गेट बन रहा है, लेवलिंग हो रही है, रेरा आने में भी टाइम लगेगा। तो अप्रॉक्स जो रेट रहेगा, जो मार्केट का ट्रेंड है सेक्टर 10 और 12 में, तकरीबन 6500 से लेकर 7000 रुपए का रेट रहेगा अलाइट में आपका, और 1500 स्क्वायर फीट का साइज अराउंड जो कॉस्ट करेगा 1 CR कॉस्ट करेगा, और 2400 स्क्वायर फीट का साइज जो कॉस्ट करेगा वो अराउंड 1.6-1.7 CR कॉस्ट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी है जो आप इन फ्यूचर आप देखेंगे डेवलप होता हुआ, एक अल्ट्रा लग्जरी ऑप्शन सेक्टर 10 में अलाइट। तो मेरा नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर को सेव कर लें, एक मैसेज ड्रॉप कर दें आप अपने नाम के साथ, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा। जैसी इन्फॉर्मेशन इसकी आती रहेंगी मैं आपको अपलोड करता रहूँगा जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी। अब हम चलते हैं सेक्टर 12, सामने जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये सेक्टर 12 है। तो गाइज हम आ चुके हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है स्प्रिंग एल्मस, जिसका रेरा आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है पीछे की तरफ आपके लग चुके हैं साइट के अंदर, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है, इधर हमारा ऑफिस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ये जो रोड आप देख पा रहे हैं ये 130 मीटर वाइड एक्सप्रेस वे से जो आपका गौर चौक से आ रहा है उससे अंदर आती है सर्विस रोड से। तो ये एक प्रॉपर्टी है स्प्रिंग एल्मस जो कि रेरा से अप्रूव्ड है, 5 एकड़ का लैंड है, ऑलमोस्ट 8 टावर है और 664 ही अपार्टमेंट है, तकरीबन 664 अपार्टमेंट है, 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे पर फ्लोर। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि 3 लिफ्ट्स आपको मिल रही हैं जो किसी और प्रॉपर्टी में आपको बहुत ही डिफिकल्ट मिलता है। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 1355 स्क्वायर फीट का साइज़ है और 1600 स्क्वायर फीट का साइज़ है एंड 1895 का साइज़ है। ये 3 BHK साइज़ आते हैं, 1895 वाला साइज़ जो है 3 BHK पर स्टडी वाला साइज़ है। तो हमारे पास 3 BHK अराउंड 82-83 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है और सबसे बड़ा साइज 1.13 CR के आसपास जाता है। इसमें 4 BHK भी हमारे पास अवेलेबल है, 2450 स्क्वायर फीट का साइज है जो नॉर्मली आज 4 BHK का साइज है इस सेक्टर के अंदर। ये हमें कॉस्ट करता है अराउंड 1.47 CR, अराउंड 1.5 CR। तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, आके विजिट कर सकते हैं, जिसका रेरा आ चुका है, सारी चीजें अप्रूव्ड हैं, बैंक लोन और सब चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, काफी अच्छी बुकिंग्स इसमें हुई हैं। तो ये फ्यूजन के बैक साइड में प्रॉपर्टी आती है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है एल्मस। अब इसके बाद हम चलते हैं महागुण मजेरिया की तरफ एंड एक और प्रॉपर्टी हम विजिट करेंगे जो है फ्यूजन, जो फ्रंट में आएगी वो मैं सबसे लास्ट में आपको ब्रीफ करूंगा। तो आप इस प्रॉपर्टी है महागुण की, अब मैं आपको यहीं से ब्रीफ कर देता हूं जो मेन रोड पे प्रॉपर्टी आती है फ्यूजन रिवोल्ट के नाम से। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो शूट की हुई हैं फ्यूजन ब्रुक की, तो वो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट ये एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही डेवलपर है। तो फ्यूजन रिवोल्ट जो रहेगा तकरीबन 7.5 एकड़ का लैंड है, इसका रेरा हमारा आ चुका है, आपकी बुकिंग जो है इसमें ओपन है, 10 टावर इसमें रहेंगे। इसमें भी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ 3 BHK एंड 4 BHK वाला कॉन्सेप्ट है, 1350 का साइज है आपका 3 BHK, 1545 का साइज है 3 BHK एंड 4 BHK अराउंड 2010 स्क्वायर फीट का साइज है। 3 साइड ओपन प्लॉट है आपका, अपकमिंग मेट्रो स्टेशन वॉक इन डिस्टेंस पर रहेगा आपका, माइवन कंस्ट्रक्शन है, महागुण भी रहेगा माइवन कंस्ट्रक्शन, अलाइट भी माइवन कंस्ट्रक्शन रहेगा, स्प्रिंग भी माइवन कंस्ट्रक्शन रहेगा और फ्यूजन भी हमारा माइवन कंस्ट्रक्शन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी जो मेन USP है वो SBI फंडिंग है इसमें। तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं क्रेडिबिलिटी बिल्डर की स्ट्रांग है, प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें ऑलरेडी सारी क्लियर हैं, अदरवाइज SBI लोन ऐसे ही नहीं करता। तो 1350 स्क्वायर फीट तकरीबन 80 लाख रुपए का बैठता है हमारा, और 2010 स्क्वायर फीट जो बैठता है वो अराउंड 1.2 CR के आसपास कॉस्ट करता है फ्यूजन रिवोल्ट में। ब्रुक का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं तकरीबन 8-10 फ्लोर तक आपका कंस्ट्रक्शन पहुंच चुका है और काफ़ी लेबर लगी हुई है टॉप फ्लोर पे, जैसे मैं देख पा रहा हूं। तो काम जो है फ्यूजन का काफ़ी तेज़ी चल रहा है। इन फ्यूचर महागुण आपका ये बैक साइड में आ जाएगा, तो आप यहाँ पर भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं नीचे अपना नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझसे कांटेक्ट में रहें। जैसे ही ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे हमने डिस्कस की एलाइट और महागुण,
अभी जिनका रेरा नहीं आया है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट में रहें, जैसे ही ये प्रॉपर्टी लॉन्च होगी मैं आपको जो एक अर्ली एडवांटेज होता है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो गाइज तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज एफर्ट्स लगते हैं इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। और बस मेरा मोटिवेशन ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी रिक्वायरमेंट जो भी हो सबसे पहले आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए आपके ऑप्शंस जो हैं वो आपको बता सकूं और आपकी सर्च को पूरा कर सकूं।